नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। रात्रि के 10 बज चुके हैं और आपकी डीएलएड की क्लास शुरू हो चुकी है, तो आ जाओ सभी लोग और फिर हम लोग चलते हैं एक नए सफ़र की ओर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यानी कि कन्वर्जन। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को पूरा देखिएगा। देखिए, ऐसे आपसे प्रायः एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं, कोई भी परीक्षा हो, बेसिक है एकदम ये क्लास मान लीजिए। वैसे तो डीएलएड के आधार पर है, जैसे कि डीएलएड यानी कि बीटीसी में आपके ऐसे सवाल आते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, या फिर किलोमीटर को मीटर में बदलना, वगैरह वगैरह होता है ना, तो उसमें आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे और आप एकदम इंटरेस्टेड हो जाएंगे इसमें। इस क्लास को पूरा देखिएगा और तुरंत लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? ये मीटर और सेंटीमीटर आखिर होते क्या है, कभी सोचा आपने? ये एक प्रकार के मात्रक होते हैं, पैमाना होते हैं। जैसे क्या नापने के लिए? लंबाई नापने के लिए। लंबाई मतलब दूरी वगैरह नापने के लिए ये क्या होते हैं, आपके पैमाने होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इलाहाबाद से लेकर के दिल्ली की दूरी कितना है, यानी कि प्रयागराज से दिल्ली की दूरी कितना है, जो भी होगा 200 मीटर, 200 किलोमीटर के आसपास है ना। मतलब हमारा मतलब ये समझिएगा, मैं यहाँ पर किसी की दूरी वगैरह नहीं बता रहा हूँ। जैसे अगर हमने कहा ये लाइन खींच दिया, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया ए और यहाँ पर लिख दिया बी। मान लेते हैं ये आपका क्या है, इंडिया है, ठीक है, और ये आपका अमेरिका है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर कोई बोले कि इंडिया से जो अमेरिका के बीच की दूरी है वो कितना है, ठीक है, जो दूरी है वो कितना है, या फिर इंडिया से अमेरिका के बीच की लंबाई कितना है, लंबाई बोले या दूरी बोले, दोनों का मतलब एक हुआ, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये मार्कर है, इस मार्कर की लंबाई कितना है, मतलब ये कितना लंबा है, तो इसको किस में नापेंगे, मीटर या सेंटीमीटर में? मीटर में नहीं नापेंगे, क्यों? क्योंकि मीटर से छोटा है ये, तो मीटर में नापेंगे तो अच्छा नहीं होगा, सेंटीमीटर में नापेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, समझ रहे ना। अच्छा का मतलब ये कि अगर इसको मीटर में नापेंगे तो दशमलव में आएगा, मतलब आधा मीटर होगा या आधा का आधा होगा, पॉइंट में आएगा, है ना। तो जैसे वस्तु होती है उसको उसी प्रकार के मात्रक से नापते हैं। जैसे अगर छोटी वस्तु है तो उसको छोटे मात्रक से नापेंगे, बड़ी वस्तु है तो बड़े मात्रक से नापेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपको क्या लेना है, क्या लेना है आपको, आपको एक बेड बनवाना है, तो बेड की लंबाई आप किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे बेड, है ना, कि भाई 3 मीटर या 2 मीटर का बेड बनवाना है, ठीक। लेकिन अगर अभी आपके मोहल्ले में या कहीं भी सड़क बन रही है तो सड़क को किस में नापेंगे, मीटर में नहीं नापेंगे। जैसे देखते होंगे ना, ठेकेदार को टेंडर दिया जाता है कि 10 किलोमीटर का टेंडर दूसरा ठेकेदार लिया हुआ है, जो लोक निर्माण ये सड़क होता है ना, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनता है ना, इसमें चल रहा है ना, ठीक। तो उसमें क्या होता है, मीटर किलोमीटर में होता है सारा सिस्टम, किस में होता है, किलोमीटर में। क्यों? क्योंकि ज़्यादा दूरियां होती हैं, उनको मीटर में नहीं लेते हैं, ठीक। तो मतलब ये समझ लीजिएगा कि जितनी बड़ी दूरी होती है उसको उतने बड़े मात्रक से नापते हैं, जिससे आसान हो जाए। जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर नापना है तो कौन सा मात्रक नापेंगे, मीटर की सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी है, इसलिए उसके लिए प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। सिंपल सी बात है, ऐसे जान सकते हैं इसे आप, जैसे अगर आपको एक छोटा सा पेड़ काटना है या फिर छोटे से आपको एक टहनी काटना है, तो उसे आप कुल्हाड़ी, हंसिया, फरुआ, किसी भी चीज़ से काट सकते हैं, है ना, मतलब छोटा सा है इतना मोटा मान लेते हैं। लेकिन अगर आपको एक बहुत बड़ा भारी पेड़ काटना है तो उसके लिए आपको आ रहा है मशीन से काटना होगा, समझ रहे हैं ना। तो बस वैसे ये होता है, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात कर ली, चलिए आगे चलते हैं। एक मीटर जो है ये कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये आपका होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, है ना, एक मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, इसे आप लोग लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, अभी हम आपको इसको तरीका बताएंगे कैसे समझेंगे, याद नहीं करना है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि 1 किलोमीटर ये होता है, 1 किलोमीटर होता तो है लेकिन ये कितने मीटर के बराबर होता है, पहला ऑप्शन है 100 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1000 मीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 900 मीटर और चौथा ऑप्शन है ना वो है 10 मीटर। तो 1 किलोमीटर ये कितने मीटर के बराबर होता है, सभी लोग जानते हैं 1000 मीटर के बराबर होता है।
लेकिन ये सब याद कैसे करेंगे अगर मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में 1 मीटर होता है, क्या होता है, 10 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर या फिर 1000 सेंटीमीटर, कितना होता है? सभी लोग जानते हैं ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। लेकिन ये सब कहानी याद कैसे करेंगे? अब देखते हैं याद कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये याद करने के लिए आपको एक तरीका समझना है, बस इसमें कुछ आपको रटना नहीं है और ना ही कुछ इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना है। अभी इस पर आधारित सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, कि एक खेत की जो लंबाई है वो 5 मीटर है तो इस खेत की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, या फिर दूसरा सवाल आपसे पूछ लिया गया कि किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी जो है वो 3 किलोमीटर है तो इन शहरों के बीच की दूरी मीटर में क्या होगी, ऐसे ऐसे बहुत से सवाल बन जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे याद करते हैं, ऐसे एक लाइन हम लोग लिखते हैं कहानी के रूप में, इसे याद करेंगे आप गा गा के, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी मीटर, ठीक है। अब नीचे चलेंगे, डेका हेक्टो किलो, ठीक है, मीटर। ध्यान दीजिएगा ये मीटर के लिए है, अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे ग्राम और लीटर के बारे में। देखिए तीन आपकी मात्रक होते हैं ना राशियां, मतलब जो मापने की जो मतलब कि एक प्रकार से बोले तो इकाई होती है, वो तीन भाग में होती है, तीनों अलग अलग विभाग होता है। कैसे, जैसे मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, इससे दूरी या लंबाई नापते हैं, है ना, लीटर किलोलीटर मिलीलीटर यानी ml और लीटर वगैरह में क्या नापते हैं, इसे लिक्विड पदार्थ नापा जाता है ना, जैसे दूध तेल पानी, और ग्राम किलोग्राम कुंटल ये सब क्या है, इस सबसे आपका वजन नापा जाता है, मतलब कोई भी वस्तु का। तो ये अलग अलग चीजें हैं, तो हम आज केवल लंबाई या दूरी के बारे में बात करेंगे, मतलब मीटर से संबंधित चीजों के बारे में। देखिए आप सभी जानते हैं अब हमें कोई भी चीज याद नहीं करना है, आपको इसी को याद कर लेना है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, रट लेंगे आप एक बार याद हो जाएगा, रटना भी नहीं है बस एक प्रकार गाना है एक बार बस इसे, मिली सेंटी डेसीमीटर, बस यहां तक पहले कर लो भाई, तीन है ना, मिली सेंटी डेसी फिर मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, हो गया खत्म, बस अगर ये याद है तो आपको सब कुछ याद है। कैसे, देखिए अब हम बात करते हैं मीटर से शुरू करते हैं, ये आपका पॉइंट होता है मेन, मतलब ये सेंटर होता है, केंद्र होता है, यहीं से सब कुछ मैनेज होता है। देखिए मीटर, अगर मीटर के ऊपर की जो भी नाम लिखे गए हैं इन राशियों को लेना है, या फिर मीटर के नीचे की राशियों को लेना है, इसके लिए अलग अलग सिस्टम होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ऊपर की बात करें तो पहले हम लोग बात करते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करें तो सभी लोग ये मान लें कि आपको कुछ भी नहीं आता है, बस आपको समझना है कैसे होता है। देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ध्यान दीजिएगा, मीटर यहां पर है ना, तो भाई इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, कहां से नंबरिंग कर लो, यहीं से, कहां से, यहां से 1 2 3 ये 4 और नीचे भी 2 3 4, मतलब 1 इसी पे रहेगा बीच में मीटर के पास, ध्यान दीजिएगा। अब मीटर से आपको किस में जाना है, सेंटीमीटर में जाना है ना, सेंटीमीटर में जाना है ना, तो यहां सबसे पहले तो आप 1 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद आप ये देखिए कि मीटर नंबर 1 पर था, मिलीमीटर माफ करिएगा सेंटीमीटर में जाना है, सेंटीमीटर किस नंबर पर है, 3 नंबर पर है ना, 3 नंबर पर है, तो क्या करेंगे आप, ये 1 पर था ये 3 पर था, 3 में से घटा दीजिए 2 हो गया ना, और जितना हो गया ना उतना यहां 0 लगा दीजिए, सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिंपल सा है। देखिए अगर 1 मीटर में आपको मिली मीटर बताना है, देखिए यहां पर ये लीटर नहीं रहेगा बाबू, यहां पर मीटर रहेगा, मिलीमीटर, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, यम, मिलीमीटर बहुत छोटी सी लंबाई होती है, ठीक है, तो कैसे जानेंगे, आपको ये देखना है मीटर के ऊपर है मिलीमीटर, ऊपर है तो सिंपल में यहां आप 1 लिखेंगे बस, बाकी कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, ये नंबर 1 पर है, मिलीमीटर नंबर 4 पर है, तो 4 में से घटा दो 3 आएगा ना, और 3 यहां पे 0 लगा दो, बस हो गया काम खत्म। अगर आपको डेसीलीटर बोलना है, क्या बोलना है, लीटर नहीं, यहां मीटर की बात करेंगे, माफ करिएगा बार बार लीटर निकल जाता है, डेसी
मीटर की बात करनी है तो क्या करेंगे, एक मीटर इक्वल कितना डेसीमीटर भाई, ये दूसरे नंबर पर, ये पहले पर, तो दो में से गया एक, मतलब एक जीरो, ये हो गया, समझ गए ना। एक मीटर में 10 डेसीमीटर और एक मीटर में 1000 मिलीमीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, कभी नहीं भूलेंगे, पूरी एकदम गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप मन लगा के समझे होंगे तो, अगर नहीं समझे तो फिर से समझ लें। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, और हाँ जो भी करना चाहते हैं आप लोग कर लें। और ध्यान दीजिएगा नीचे का प्रॉब्लम क्या होता है, ये तो था मीटर के ऊपर वाली राशियों के बारे में, है ना, तो मीटर के ऊपर की नहीं बात करते, किसी भी राशि की अगर ऊपर वाली राशि की बात करना है तो सब में ऐसे करते हैं। जैसे ध्यान दें और भी आप लोग, फिर नीचे वाला बात बताएंगे। अगर किलोमीटर से आपको क्या करना है, किलोमीटर से आपको किस में करना है, मीटर में, ध्यान दीजिएगा, मतलब नीचे से ऊपर जाना है ना, तो आप यहां लिखिए एक किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, देखिए किलोमीटर चौथे नंबर पर है, मीटर जो है ये पहले नंबर पर है, चार में से घटा लीजिए कितना आएगा, तीन, हमेशा बड़े संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, तो यहाँ पे तीन जीरो लगा दो भाई एक के बाद, यानी एक किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, समझ गए ना, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि एक हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, एक हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, देखिए यहाँ पर इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है बाबू, ये तो मुझे नहीं मालूम यहाँ पे कन्फर्म कि क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में किससे दिखाते हैं, एचएम लिख दीजिए आप, ठीक है। हेक्टोमीटर कितना मीटर होता है, देखिए हेक्टोमीटर यहाँ पर है तीसरे नंबर पर है, मीटर पहले नंबर पर है, तीन में से एक गया दो, यहाँ पर आप लिख दीजिए दो, माफ करिएगा दो नहीं रहोगा भाई, देखिए यहाँ से हर जगह एक है होगा, हर जगह एक है होगा, ये गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे, हर जगह एक ही होगा, दो आया घटाने पे ना, मतलब हेक्टोमीटर से एक घटाया, मतलब यानी कि तीन में से एक घटाया दो आया ना, यहाँ आप दो जीरो लगाएंगे, यानी कि एक हेक्टोमीटर में 100 मीटर, समझ गए ना। इसी तरह से आप सब कुछ याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एक किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, एक किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, आप ध्यान दीजिएगा आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। आप अगर ये यहां से इसके ऊपर की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे आप, देखिए यहां से देखिए तीन ये आता है और दो ये आता है ना, पांच हो जाता है ना। अगर ऐसे बात करें तो अभी आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर एक किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा ये बताना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए किलोमीटर यहां पर है, सेंटीमीटर यहां पर है ना, तो पहले हम अगर मीटर तक की काउंटिंग करें तो ये चार है ये एक है, अगर इसमें से घटाएं कितना आएगा तीन, लेकिन आप ऐसे नहीं समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे, आप इसकी काउंटिंग कर लीजिए यहीं से, एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है। अगर इस बॉर्डर को पार करके ऊपर जाना है तो आप उसकी काउंटिंग कर लीजिए, कितना नंबर पर है ये दोनों आपस में, एक दो तीन चार पाँच छः, मतलब कि छठवीं दूरी पर ये है, छठवीं दूरी पर है ना, तो आप छः में से एक घटा दो भाई, पाँच आया ना, और आप एक के बाद पाँच जीरो लगा दो यहाँ पे, मतलब कि एक किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है, एक किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होता है, आप कभी नहीं भूलिएगा, याद हो गया ना। इसे आप वीडियो को पीछे करके देख लें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच बोल सकते हैं, ठीक है, बिना किसी टेंशन के, और बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये पूरी हमें उम्मीद है। तो इसी पे आपको कुछ सवाल भी दे देते हैं, आप लोग सवाल कर लेंगे पक्का, ये पूरी उम्मीद है कि सभी को याद भी हो गया होगा, और आप लोग फटाफट सवाल का आंसर देंगे। हमने इसके पहले तीन सवाल देख लिए हैं, चौथा और पाँचवा सवाल आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल नंबर चौथा है, ध्यान दीजिएगा, एक खेत की लंबाई कितना है। देखिए अगर एक खेत की लंबाई जो है वो 9 मीटर है तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। यदि एक खेत की लंबाई कितना है 9 मीटर है तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, ध्यान से बताइएगा आप लोग सभी, ठीक है ना, उसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी क्या होगी, जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, फट से बताएं, बता दिए, आगे चलते हैं। कितना होगी सेंटीमीटर में, पहला ऑप्शन है 90 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 900 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 9000 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे तीन जीरो है, ध्यान दीजिएगा तीन जीरो है, ये 9000,
सिंपल सी बात है, 9 मीटर दिया गया है आपको सेंटीमीटर में निकालना है। हम सभी जानते हैं चूंकि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 9 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 9 × 100। कुछ लोगों को 100 का गुणा करना नहीं आएगा, वो लोग क्या करेंगे 9 का गुणा 1 में कर लेंगे, 9 और 2 जीरो बगल में उसको ऐसे लिख लेंगे, बस हो गया कहानी खत्म। और ये आ गया सेंटीमीटर, यानी कि 9 मीटर लंबाई का जो खेत था वो 900 सेंटीमीटर की लंबाई का है, समझ गए ना। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप निसंकोच उसे हमसे बोल सकते हैं, हमें शेयर कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसे दूर करने की। दोस्तों प्रतिदिन रात मतलब कि रात में आपकी 10 बजे से DLED की स्पेशल क्लास होती है, आप लोग अगर हर दिन क्लास नहीं पा रहे हैं तो इसके लिए आपको क्लास को ज्वाइन करना होगा, उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप और सभी क्लास करना चाहते हैं मैथ के अलावा, GK GS, करंट अफेयर, हिंदी अंग्रेजी, बाल विकास, मनोविज्ञान, पर्यावरण, सब कुछ पाना चाहते हैं तो आप हमें अनअकैडमी पर अवश्य फॉलो कर लें। अनअकैडमी देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, नहीं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9793488448। इस नंबर पर आप जब व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी प्रोसेस बता दी जाएगी और आपको सारी क्लास मिलेगी। इसके अलावा आप PBR स्टडी को फेसबुक पर अवश्य लाइक करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में और भी आपको लिंक दी गई है, आप PBR स्टडी के दूसरे यूट्यूब चैनल PBR स्टडी ग्रुप को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको सभी क्लास मिल सके। और मैथ आसान है चैनल को भी सब्सक्राइब करें, PBR स्टडी के 4 यूट्यूब चैनल हैं, मैथ आसान है, PBR स्टडी, PBR स्टडी ग्रुप और PBR स्टडी ब्लॉग, ठीक है, जिसमें आप स्पेशल चीजें देखते हैं। तो 5वां सवाल आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, एक अलग प्रकार का सवाल है। यदि एक कमरे की लंबाई क्या है, लंबाई 3 मीटर और 15 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, अगर कमरे की लंबाई 3 मीटर और 15 सेंटीमीटर है, मतलब 3 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसको केवल सेंटीमीटर में बोलें तो कितना होगा। पहला है 300 सेंटीमीटर, दूसरा है 315 सेंटीमीटर, 330 सेंटीमीटर, 3030 सेंटीमीटर। इसमें से आपको जल्दी से बता देना है फटाफट, जो लोग इस नंबर वगैरह को नहीं नोट किए वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेंगे और जरूर नोट कर लेंगे। बाबू सभी से आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस क्लास के खत्म होने के बाद आप लोग अपने विचारों को जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है, तुरंत आप लोग अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और आज ये लाइव नहीं है आपकी क्लास, वरना आपकी लाइव क्लास होती है 2 घंटे 3 घंटे की, तो आप लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। देखिए ये हमें दिया क्या है, जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। दिया है क्या, दिया है कमरे की लंबाई, दिया है कितना दिया है, देखिए 3 मीटर और 15 सेंटीमीटर, इसे हमने इंग्लिश में लिख दिया, थोड़ा आसान हो गया, नहीं तो मीटर ऐसे लिखते खर्चा पचा करके, है ना। तो 3 मीटर 15 सेंटीमीटर हमें किस में निकालना है, इसे केवल सेंटीमीटर में निकालना है। तो सेंटीमीटर में तो ऑलरेडी इसमें दिया है एक भाग, लेकिन जो मीटर में दिया उसको भी सेंटीमीटर में कर लेंगे और दोनों जोड़ देंगे। तो सिंपल में बात है क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि 1 मीटर इक्वल क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 3 मीटर इक्वल क्या हो जाएगा, 3 × 100 इक्वल 300 सेंटीमीटर, फिर इसलिए 3 मीटर 15 सेंटीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया ना, और बाकी 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, तो ये आप जोड़ देंगे 300 + 15 = 315 सेंटीमीटर। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, जरूर बताया जाएगा। आपसे एक विनम्र प्रार्थना होगी कि आप इस लेसन को, इस पार्ट को, इस वीडियो को, इस क्लास को अपने कम से कम 5 मित्रों को अवश्य शेयर कर दें। मैं आपको कसम नहीं रखा रहा हूँ बाबू, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जरूर शेयर करिएगा, जिससे किसी जरूरतमंद को ये क्लास मिल सके और गाँव में या किसी वीरान जगह पर बैठा हुआ हुआ भी अपने दिल में संजोए हुए सपने को साकार कर सके। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आप PBR स्टडी को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाएगी और एक दिन ये 45,000 की संख्या 45 लाख में बदल जाएगी। थैंक यू।